अस्सलाम वालेकुम। कल सोलापुर शहर जिला बागवान जमीन ट्रस्ट महाराष्ट्र की जमीन की बुनियाद रखी गई, जिसमें 27 डायरेक्टर चुने गए। मेरा ये मानना है ये डायरेक्टर जितने भी चुने गए हैं ये लोगों की आम सहमति ना लेते हुए, डायरेक्टरों की आम सहमति, जितने भी डायरेक्टर के लिए इच्छुक थे इनकी आम सहमति ना लेते हुए चुने गई हुई डायरेक्टर बॉडी है। बस मेरी नाराजगी सिर्फ और सिर्फ जो बुनियाद रखे, जो बागवान युवक जमीत बोलकर जो है बुनियाद रखे थे जुबेर बागवान, मेरी नाराजगी सिर्फ और सिर्फ उनसे मेरी नाराजगी है। उन्होंने ये कहा था कि हमें सोलापुर शहर बागवान जिला युवक जमीत बनाना है, तो युवक जमीत बनाने की आश्वासन देने के वजह से बागवान बिरादरी के तमाम नौजवान उनके साथ जुड़कर जो है उनके हर मीटिंग में शामिल हुए। जैसे कि हम भी जो है युवक जमीत बन रही बोलकर जो है युवक जमीत के माध्यम से जमीत का अच्छा काम होगा और जमीत के तालुके से सोलापुर शहर के अदर बिराजदारियों का भी हम जमीत के तालुके से काम कर सके युवक जमीत में बोलकर हम लोग भी उस जुबेर बागवान के साथ जुड़े। जुड़ने के बाद जो है पहली मीटिंग समृद्धि होटल में हुई, वहां पर हमने हमारे कुछ बातें हमने भी हमारे ओर से रखे कि हमने कहा था कि हमारी फादर बॉडी जो बॉडी है वो बॉडी की राय मशवरा लेकर उनकी आम सहमति लेकर ये जमीयत बननी चाहिए। जैसा कि हमने दूसरी बात साने गुरु जी हॉल में ये रखी कि युवक जमीयत अगर बन रही तो उसकी उम्र अबाउट 40 होनी चाहिए, जिसके अंदर युवक अच्छी 40 साल के नीचे का युवक उसमें अगर काम करेगा तो जमीयत का काम अच्छा होगा। दूसरी बात हमने ये रखी थी और तीसरी मीटिंग के अंदर हमने समृद्धि हॉल में ये भी बात रखी थी कि सब मिलकर आम सहमति से डायरेक्टर की बॉडी चुना जाए। तो वहां पर जितने भी डायरेक्टरों को लास्ट तीसरे मीटिंग के अंदर डायरेक्टरों को बुलाया गया था, जिसमें डायरेक्टरों की राय मशवरा ना लेते हुए ये बॉडी चुनी गई है। तो मेरा बस इतना कहना है कि जुबेर बागवान जो है युवक जमीयत के नाम पर जो है बागवान बिरादरी के तमाम नौजवान बच्चों को और तमाम बागवान बिरादरी के लोगों को गुमराह करने का काम किया है। उन्होंने हमसे ये वादा किया था कि बिरादरी के तालुका से सियासत हम उसके अंदर रद्दा भर भी नहीं लाएंगे, तो फिर ऐसी क्या वजह थी भारतीय चौक के अंदर संतोष पवार और उमेश पाटिल का सत्कार और गुलपोशी का कार्यक्रम रखा गया, ये क्या तरीका है? हम उनसे ये सवाल कहना पूछना चाहते हैं बागवान बिरादरी के नौजवान होने के नाते। तो आज तकरीबन सोलापुर शहर के बागवान बिरादरी के नौजवानों के मुझे फोन आ रहे हैं कि भैया इसके अंदर जो है आम सहमति ना लेते हुए डायरेक्टर के इच्छुकों की इसमें अपनी मनमानी चलाकर जो है ये कारोबार किया गया है। तो उसके अंदर जितने भी जमात के ताल्लुकात से उन्होंने उनके मुद्दे जब रखे थे तो उन्होंने कहा था हमारे पास इलेक्शन होगा सिलेक्शन नहीं, हमारे पास लोकशाही होगी हुकुमशाही नहीं। तो आज ऐसा क्या हुआ इनको जो है हुकुमशाही चुनना पड़ा? आज ऐसा क्या हुआ इलेक्शन ना लेते हुए इन्होंने सिलेक्शन करने का काम किया? तो मेरा ये सवाल है उनसे। तो दूसरी बात, बागवान जमीयत के ताल्लुकात से युवक जमीयत के अंदर सियासत लाना ये सरासर गलत बात थी जो भारतीय चौक के अंदर वहां पर हुआ। तो मैं तमाम बागवान बिरादरी के नौजवानों से, बागवान बिरादरी के उम्रदराज लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारी बागवान बिरादरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, नौजवानों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। अगर हमें सच में बागवान बिरादरी का काम करना है तो आम सहमति से एक दूसरे को जोड़कर काम करते तो उसमें बेहतर काम होता था, लेकिन हमको जहां तक समझ में आ रहा है कि सिर्फ यहाँ पर मैं जो करूंगा मैं से किसी का भी अच्छा नहीं होता। अगर सच में तुमको कुछ अच्छा करना है तो हम बोलकर सबको साथ में लेकर काम करना चाहिए था। और दूसरी बात, और एक चीज हमारे को इस बॉडी के अंदर नजर आई, जितने फादर बॉडी के मेंबर थे उन्हीं का ही बच्चा आज उस बॉडी के अंदर शामिल है, उन्हीं का ही बेटा, मतलब बाप फादर बॉडी में है तो बेटा दूसरे सेकंड बॉडी के अंदर है, चाचा अगर बॉडी में है तो भतीजा है, मामू अगर बॉडी में है तो भांजा वहां पर है। तो तुमको अगर दूसरी जमीती बनाना था तो इन लोगों को गुमराह कर इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी? मेरा एक सवाल है उनसे। और बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि बागवान बिरादरी के अंदर आजकल ना लाते हुए बिरादरी का अच्छा काम करें और ये सारे चीजों का हमको सवाल के जवाब दीजिए। आपने कभी का मुद्दा नहीं लाया लेकिन उन्होंने राष्ट्रवादी का लाके सत्कार किया, तो बागवान जमा तो एक प्रकार का गिरवी रखने का फोरम चालू है क्या?
देखिए हमें हमारे को उनका कॉल था, हम पहली मीटिंग दूसरी मीटिंग तीसरी मीटिंग अटेंड किए, बाद में से उन्होंने उनका मनमानी कारोबार किए जिसके अंदर हम शामिल नहीं हुए। पहली मीटिंग के अंदर भी हमने हमारी बातें रखी थी, दूसरी बातें भी रखी थी, तीसरी मीटिंग तक उन्होंने लोगों को गुमराह करने का काम किया, उसके बाद उन्होंने मनमानी कारोबार किया, उसमें सियासत घुसरने का काम किया और हमारे भगवान बिराजदारी को जो है नरेंद्र मोदी बीजेपी के यहाँ पर गिरवी रखने का काम अगर किसी ने किया है तो जुबेर भगवान ने किया है।